गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर सेकंड, सो लेट अस स्टार्ट। अवर सेकंड चैप्टर इज एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर का एडिशन करना, तो कैसे करेंगे अपने, फाइंड द सम। प्रैक्टिस टाइम वन के अंदर दे रखा है, वो स्टार्ट करते हैं। वंस और टेंस प्लेस अपने को वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे 53 प्लस 24। अब सबसे पहले इसको प्लस करेंगे, तो 4 प्लस 3 7 एंड 2 प्लस 5 7, तो कितना आ गया 77, इसका आंसर आ गया। बी पार्ट सेकंड पार्ट दे रखा है 76 प्लस 11, तो 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 1 8, तो 87 इसका आंसर आ गया। ऐसे आप इसके रिमेनिंग पार्ट भी सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम टू। प्रैक्टिस टाइम टू के अंदर कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप अपने फिल करना है, इक्वेट करना है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे एक साइड में अपने को दे रखा है 6 प्लस फिलअप इक्वल टू 3 प्लस 6। अब एक साइड देखिए, पहले 6 आ गया प्लस ब्लैंक दे दिया, तो वहाँ क्या आएगा 3, तभी तो दोनों इक्वल होंगी वैल्यू। अगले बी पार्ट के अंदर 28 प्लस 14 इक्वल टू 14 प्लस 28। ऐसे ही सी पार्ट के अंदर 6 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर दे दिया 3 प्लस 2 इक्वल टू, अब अदर साइड दो वैल्यूज दे रखी हैं, तीसरी वैल्यू कौन सी रहेगी है 6, तो 6 उसके अंदर आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसको अपने कंप्लीट करना है, फिलअप ही है ये भी, तो 17 प्लस 0 कितना आंसर आएगा 17, 90 प्लस 1 कितना आएगा 91, और डैश प्लस 0 इक्वल टू 78, तो कितने में प्लस 0 करें, तो 78 में 0 प्लस करेंगे तो 78 आंसर आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम थ्री। प्रैक्टिस टाइम थ्री के अंदर अपने को क्या दे रखा है, इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। इसमें दे रखा है गोलू कलेक्टेड 23 स्टैम्प्स, अंकुर कलेक्टेड 14 स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्टैम्प आर देयर इन ऑल। अब कह रहे हैं स्टैम्प्स कलेक्टेड की कितने, गोलू ने 23 कलेक्ट की, अंकुर ने 14 की, तो टोटल कितनी स्टैम्प्स होगी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 37 इसका आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 30 मैंगो ट्री एंड 40 गोवा ट्री इन अ गार्डन। मैंगो ट्री कितने 30 और गोवा ट्री कितने 40, हाउ मेनी ट्री आर देयर इन द गार्डन। अब टोटल नंबर ऑफ ट्री बताने, तो कितने होंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 30 प्लस 40 70 इज द आंसर। ऐसे आप इसके रिमेनिंग भी करेंगे। नाउ कम टू प्रैक्टिस टाइम फोर। प्रैक्टिस टाइम फोर के अंदर अपने को दे रखा है ऐड द फॉलोइंग। अब ये क्या है, इनमें कैरी वाले हैं, जैसे पहला पार्ट देखते हैं इसका, 5 और 0 5, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, तो 3 कैरी 1, तो जो कैरी था वो नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 1, तो 135 इज द आंसर। सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है 5 प्लस 5 कितना होगा 10, 10 की 0 कैरी 1, अब 8 और 4 12 प्लस 1 13, 13 का 1 कैरी 1, तो 1 भी नीचे लिखेंगे तो कितना होगा 130 इसका आंसर होगा। अब अगले पार्ट के अंदर देखते हैं 8 प्लस 5 कितना होता 13, 3 कैरी 1, अब इनको प्लस करेंगे तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 73 इसका क्या आएगा आंसर। तो ऐसे ही आपने इसके रिमेनिंग पोर्शन भी है, जो रिमेनिंग पार्ट वो भी आप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।